hello students welcome to cg board online classes today we are going to start a new lesson the bell so it is from your book my english garden class 7th unit 4 learning from life section c the bell so before starting the lesson let's know about the author so geeta Krishnakatti geeta Krishnakatti is the author of The the story, the bell. She is well-known translator of Malayalam works to English. तो so, वो मलयालम जो लैंग्वेज के वर्ग्स होते थे स्टोरी होती थी पोएम होते थे उन्हें वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी जैसे कि इस स्टोरी में किया गया है कि एक्चुअल में मलयालम स्टोरी है और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेसन है शी वॉन्ट हस्ट अवार्ड इन नाइनटीन नाइनटी नाइन लिविंग इन चेन्नई गीता writes रिसर्चेस एंड ट्रांसलेट्स वर्क्स कनेक्टेड विद वुमेंस इश्यूज एंड आइडेंटिटी तो वो चेन्नई में रहती हैं एंड वो राइटिंग करती हैं रिसर्च वर्क करती हैं और ट्रांसलेट भी करती हैं कौन से वर्क को ट्रांसलेट करती है जो रिलेटेड होते हैं वुमेन के इशूज से और उनकी आइडेंटिटी से तो बेसिकली उनका जो फोकस है वो वुमेन है ठीक है शी इज़ अ फेमिनिस्टिक ऑथर Look so she is Gita Krishna Katte okay So she is a well-established translator of short stories, novels and anthologies from Malayalam to English. okay So it's all about her. So now we start the lesson. The bell, the bell you understand the bell means ghanti अब ये कौन सी बेल की बात की जा रही है टेम्पल बेल विच टाइप ऑफ बेल तो एक्चुअल में ये जो स्टोरी है ये साउथ इंडियन गर्ल के बारे में ठीक है अब हम देखते हैं कि उस साउथ इंडियन गर्ल ने क्या चीज अचीव की उसने किस बात का विरोध किया क्या प्रोटेस्ट किया उसकी स्टोरी क्या है लाइफ की ओके सो लेट्स रीड अ कस्टम इज अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड बाय मैनी पीपल इन सोसाइटी

आफ्टर मैरिज क्या रहता है जब वुमेन के लिए कि उन्हें सिर में दुपट्टा डाल के रहना है सो so, ये एक कस्टम है सो अ कस्टम इज अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड बाय मैनी पीपल इन अ सोसाइटी ठीक है तो ये वो फॉलो करते हैं या एक कस्टम ये भी आप सुने होंगे कि गर्ल्स को शनि मंदिर या हनुमान टेम्पल में जाना अलाउड नहीं रहता है ठीक है तो ये कस्टम है अ ट्रेडिशन इज अ कस्टम दैट हैज बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ओवर मैनी ईयर्स और ट्रेडिशन कब बन जाता है कोई भी कस्टम ट्रेडिशन तब बन जाता है जब वो हैंडेड डाउन होता है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जो कस्टम है वो पास होता जाता है तो क्या होता है एक जनरेशन फॉलो की फिर उनकी फैमिली उनके बच्चे फिर उनके भी बच्चे सभी उसको क्या करते हैं फॉलो करते रहते हैं दे डोंट नो द रीज़न उन्हें कोई रीज़न नहीं पता रहता है कि क्यों करना है ये करना सही है या गलत है बट वो एक पर्टिकुलर कस्टम को जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते जाते हैं तब वो बन जाता है ट्रेडिशन ओके okay? सो so जो कस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है कोई जो एक सोशल प्रैक्टिस है वो किसी भी तरीके से सोशल प्रैक्टिस हो सकती है और जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है देन इट इज कॉल्ड ट्रेडिशन सो डू यू नो एनी कस्टम ऑफ तो क्या आप कोई भी ऐसा कस्टम जानते हैं और या ट्रेडिशन जो कि आपकी सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जा रहा है या फॉलो करते हैं लोग आप अपना एक्सपीरियंस अपनी क्लास में शेयर कीजिएगा यदि आप ऐसा जानते हैं किसी कस्टम के बारे में किसी ट्रेडिशन के बारे में या आपकी फैमिली का कोई कस्टम ट्रेडिशन होगा जो आपको पता होगा यस नाउ लेट्स रीड द स्टोरी

एक्चुअल में जो गर्ल्स हैं उनको टेम्पल बेल को बजाना अलाउड नहीं है और उस पर्टिकुलर गर्ल को इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है लोअर कास्ट से बिलोंग करने की वजह से उसे जो टेम्पल बेल है उसे टच करना अलाउ नहीं है ओके सो दिस इवनिंग तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली उसके माइंड में आएगा ही कि क्यों अलाउड नहीं है मुझे भी अलाउ होना चाहिए लाइक like दैट तो एन अनयजल सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एक जो Unusual, जो की नॉर्मल सेंस नहीं था एक्साइटमेंट का तो वो बिल्कुल एक्साइटेड थी क्योंकि क्या हो गया था परवेडेड हर विजिट टू द टेम्पल वो बिल्कुल भी, भी परवेड हो गया था स्प्रेड हो गया था है ना? किस टाइप से स्प्रेड हो गया था कि जो हर विजिट टू तो द टेम्पल दिस इवनिंग क्योंकि जब आज वो शाम के इवनिंग में जब टेंपल विजिट करने वाली है तो क्या होने वाला है देयर हैड बीन एन आर्ग्यूमेंट ओवर लंच तो जो मॉर्निंग में आर्ग्यूमेंट हुआ था किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था उसके और जो बड़े हैं जो अप्स हैं उनके बीच जब उसने ये बात अनाउंस की कि ये वो डिसाइड कि उसका डिसीजन था कि आज रात की, आज जो लैंप लाइटिंग का टाइम होगा उस समय वो बेल को रिंग करेगी टेम्पल बेल को तो ऐसा उसने अनाउंस किया था दोपहर की बात दोपहर के लंच के टाइम पे और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी कंप्लीटली एक्साइटमेंट से भरी हुई थी ओके थंगम अब वो कह रही इफ थम कैन रिंग इट सो कैन आई शी डिबेटेड एंग्रिली अब वो कहती है कि अगर थंगम उसे बजा सकती है बेल को तो मैं क्यों नहीं और वो बिल्कुल डिबेट की आर्ग्युमेंट की है ना गुस्से में ठीक है अब ये थंगम कौन है नाउ हम देखते हैं दे प्रोटेस्टेड इन शॉक्ड वॉइसस थंगम इज द डॉटर ऑफ द टेंपल प्रीस्ट शी इज परमिटेड टू टच द बेल अब वो जो दे मींस जो पूरे फैमिली मेंबर्स थे ग्रोन अप्स थे वो विरोध किए उसका प्रोटेस्ट किए शॉक्ड वॉइसस में एकदम वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसा अनाउंसमेंट कर रही है कि आज वो शाम के बेल रिंग करेगी टेम्पल बेल लंच के टाइम पे ठीक है तो उन्होंने कहा जो थंगम है इज द डॉटर ऑफ द टेम्पल जो पुजारी होते हैं जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं तो उनकी वो बेटी है थंगम शो सो शी इज परमिटेड टू टच द बेल इसलिए उसे परमिशन है कि वो बेल को टच कर सकती है शी रिस्पोंडेड एंग्रेलीम केम ओवर टू प्ले हाइड एंड सिंह एवरी आफ्टरनून अब उसने एकदम गुस्से में रिस्पॉन्ड किया कि जो है वो डेली हाइड एंड सी आफ्टरनून के साथ खेलने आती है एंड बिहेव्ड नो डिफरेंटली फ्रॉम एनी ऑफ देम और वो बिल्कुल भी हमारे से कोई अलग बिहेव नहीं करती है मीन्स ठंगम भी बिल्कुल हमारी तरह एक नॉर्मल गर्ल ही है उसका बिहेवियर भी हमारी तरह ही है So, अगर वो बैल को टच कर सकती है वो बैल को रिंग कर सकती है सो कैन आई तो क्या मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा वो पूछती है नाउ वॉट हैनी ऑफ टाइम ठीक है सो लुक द गर्ड एंड शी इज टॉकिंग विदर फैमिली में शी एडेड गोडिंग डैम डेलीबरेटली वी ऑल आर इक्वल इन द आईस ऑफ गॉड अब इसके अलावा बिसाइड्स और क्या कहती है वो शी एडेड गॉडिंग डैम उन्हें प्रवोक करते हुए मतलब बहुत ही गुस्से में भड़काते हुए ऐसी गोडिंग ठीक है ना गोडिंग मीन्स इरीटेट करते हुए गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि वी आर ऑल इक्वल इन द आईस ऑफ गॉड भगवान की आंखों में हम सभी सेम है बट शी वॉज श्योर दैट दे हैड नॉट टेकन हर वेरी सीरियसली परंतु वो श्योर थी कि वो उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिए हैं दैट द ट्रबल विद ग्रोन अप्स अब यही बड़े लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो छोटों की बात को क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं वो श्योर थी कि उसने किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया है कि वो रात के आज बेल भी रिंग करेगी एंड इवन कि उसने ये कहा कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड ओ वेल शी वुड शो देम शो देम दिस टाइम अब वो कहती है ओ वेल ठीक है इस टाइम मैं उन्हें कुछ कहूंगी नहीं मैं करके दिखाऊंगी ठीक है तो इसलिए वो एकदम चैलेंज लेती है कि शी विल शो देम दिस टाइम नाउ कि एक्चुअल में क्या होता है जब कोई फैमिली मेंबर हमें समझाना चाह रहा हो है ना और हम उस बात को नहीं समझते तो वो ये सोचते हैं कि अभी छोटी है इससे ज़्यादा क्या बोलना है ना कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है वो इग्नोर कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारी बात सुने नहीं होते वो एक्चुअल में सुने होते हैं बट वो उस समय समझाने की कंडीशन में नहीं होते या सोचते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी ये तो छोटी बच्ची है ऐसे ही बोल रही होगी ठीक है तो इस तरीके से होता है बट कभी कभी बच्चे भी सीरियस होते हैं आपने देखा ना लर्निंग फ्रॉम लाइफ तो हम लाइफ से बड़े भी लर्न कर लेते हैं ठीक है और इस तरीके के जो कस्टम्स है जो ट्रेडिशंस है वो चेंज भी होते हैं अगर वो गलत होते हैं तो नाउ नेक्स्ट इज शी देर सबमिटेड सब विद गुड ग्रेस टू द सजेशन दैट शी हर ग्रैंड मदर टू द टैंक फॉर हर इवनिंग बाथ दो शी रियली प्रिफर्ड द मेक शिफ्ट बाथरूम एट द बैक ऑफ द हाउस अब यहाँ पर क्या होता है शी देयर फोर समिटेड की वो इस बात पे एग्री हो जाती है कि गुड गुड ग्रेस ग्रेस है ना अब good grace के साथ कि वो जो अपनी ग्रैंड मदर है उन्हें कहा इवनिंग बाथ के लिए टैंक में ले जाएगी बट एक्चुअली में उसे टैंक में नहाना पसंद नहीं था दो शी रियली रियड द मेक शिफ्ट बाथरूम मेक शिफ्ट मीन्स जो टेम्परेरी बाथरूम बनाया गया है कुछ टाइम के लिए उनके बैक ऑफ द हाउस में हाउस के बैक में ठीक है तो फिर भी वो अपनी ग्रैंड मदर को दादी को इवनिंग में, इवनिंग में के के लिए लिए ले जाने रेडी रहती है जबकि वो टैंक में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो मेक शिफ्ट बाथरूम को ही पसंद करती थी शी हेटेड द स्लिपरी स्टोन स्टेप्स ऑफ द टैंक द डार्क ग्रीन स्लाइव एट देयर एजेस एड हर फुट होल्ड सो यहाँ पर वो बिल्कुल हेट करती थी स्लिपरी स्टोन बिल्कुल वो कैसे स्टोन्स थे स्लिप हो जाते थे वहाँ पैर उसके द डार्क ग्रीन स्लाइम एट देयर एजेस और उनकी जो एजेस थी जो सीढ़ियाँ थी है ना उनकी किनारों पर स्लाइम है ना ग्रीन स्लाइम जो काई कहते हैं वो जम गई थी और थ्रेटेंड हर फुट होल्ड मीन्स उसको पैर रखने में वहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती थी मुश्किल होती थी द वॉटर हैड असल डेंजरस लुक और जो वाटर था वो बिल्कुल भी एकदम कैसा था अनप्लीजेंट डेंजरस लुक के साथ एंड ऑलवेज फेल्ट बिटरली कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा जो बेकार वाली ठंड होती है ना इतना ठंडा पानी होता था डेंजरस लुक के साथ उसे वाटर ऐसा फीलिंग आती थी टैंक के वाटर से सो तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था टैंक में नहाना और जाना बट वो ये सोचती है कि ठीक है है ना मैं दादी को ले जाती हूँ और वो उसे तो पता था कि एक्चुअल में उसका क्या प्लान है अंदर उसे क्या करना है इवनिंग में बट शी एंड इट ऑल टूडे विथ नो कंप्लेंट चैटरिंग ब्राइटली परंतु इस बार एंड मीन्स उसने सब कुछ बियर किया कर लिया है ना कि वो एकदम रेडी हो गई बिना किसी कंप्लेंट के आज और अच्छे से ही एकदम ब्राइटली वो क्या कर रही थी बातें कर रही थी क्योंकि वो तो शोर थी कि इस समय वो कुछ बात नहीं करेगी कुछ कहेगी नहीं ग्रोनप्स को वो करके दिखाएगी शी विल शो देम शी डिड नॉट फर्स्ट इवन वेन द टाइनी अराउंड स्वैम्ड एंकल्स अब वो ये कह रही है दैट कि अगर जो फिशेस आती हैं बहुत सारी फिशेस आती हैं और स्वैम्ड अराउंड मतलब उसकी जो एंकल्स होते हैं उनके चारों तरफ वो क्राउड बना लेती हैं और उसे बाइट करना स्टार्ट कर देती हैं बहुत ही बुरी तरीके से और उसका जो बैलेंस है जितना डेंजरस बैलेंस वो कितनी मुश्किल से एक तो वहाँ पर बैलेंस बना पाई है खड़ी हो पाई है और उसके बाद भी उसके बैलेंस को वो बिगाड़ने का काम करती है कौन जो फिशेस होती हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि अब वो इन सारी चीज़ों के लिए वरी भी नहीं करेगी बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी क्योंकि उसने तो बिल्कुल चैलेंज ले लिया है कि वो तो इवनिंग में बेल टेंपल बेल को रिंग करने वाली है तो आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि फ़िश का एक पॉन्ड होता है जब हम उसके अंदर पैर रखते हैं तो बहुत सारी फिशेस आती हैं और हमारे जो एंकल्स में जितना भी डर्ट होता है डेड सेल्स होता है उसको वो खा लेती हैं तो वो जो फील है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ठीक है बट वो आज उसको भी बियर करने के लिए रेडी है ओके बैक अगेन एट द हाउस शी हैड टू अंडर गो द इंटेंस अनकम्फर्टेबल रिचुअल ऑफ हेयर ड्रेसिंग अब वापस घर जाने के बाद शी हैड टू अंडर गो द इंटेंस अनकंफर्टेबल रिचुअल ऑफ हेयर ड्रेसिंग तो एक बहुत ही जो अनकम्फर्टेबल रिचुअल है जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं बहुत ही वो अनकंफर्टेबल है हेयर ड्रेसिंग का कि इस तरीके से हेयर ड्रेसिंग की जाती है लुक एट दिस पिक्चर की उसकी मदर है और उसके जो हेयर है उसको फिल करके एकदम टाइटली नॉट करती है ओके okay? सो so, अब वो कार क्या करते हैं दे इसमूथेड हर हेयर विथ वॉट फेल्ट लाइक अ होल जार ऑफ ऑयल उसके हेयर को सबसे पहले ऐसा लगता है कि पूरे एक जार भर का ऑयल उसके बालों में डाल दिया जाता है उसे स्मूथ कर दिया जाता है सेपरेटेड ईच शाइनिंग स्ट्रैंड टिल इट हंग लिम्प एंड स्ट्रेट एंड लाइफलेस डाउन हर बैक और एक एक बाल को अलग करके एकदम टाइटली वहां पर बांधा जाता है देन टाइड इट अप इन अ टाइट स्किन स्ट्रेचिंग नॉट ऑन द टॉप ऑफ हर हेड और इस तरीके से एक बन बना दिया जाता है एक एक स्ट्रेच एक एक स्ट्रैंड को एक जो शाइनिंग उसके बाल होते हैं एक एक बालों को खींच के इस तरीके से और ये उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है शी इज नॉट लाइक इट नाउ टाइड इट अप इन अ टाइट स्किन स्ट्रेचिंग नॉट ऑन द टॉप ऑफ हर हेड सिक्योरिंग इट विथ अ फाइबर ऑफ बनाना स्टेम और उसे क्या कर दिया जाता है बनाना स्टेम के साथ सिक्योर कर दिया जाता है बनाना स्टेम्प लगा दिया जाता है इस तरीके से और ये बंद बन बना दिया जाता है शी वॉज थैंकफुल नन ऑफ हर स्कूल फ्रेंड्स कुट सी हर लाइक दिस अब वो बोलती है कि मैं थैंकफुल हूँ कि ये इवनिंग में होता है और उसके कोई भी जो स्कूल फ्रेंड्स है इस तरीके से उसे नहीं देखें इसलिए वो थैंकफुल है ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डाउन हर टेम्पल्स गेव हर टाइमी शिवर्स ऑफ डिसगस्ट द बैक ऑफ हर नैक फैल्ट स्लिमी मेड हर लोंग मे मेड हर लॉन्ग टू रिकल आउट ऑफ हर स्किन अब जो ये जो इस तरीके से ऑयल से भरे हुए हेयर होते हैं उसके तो वो बता रही है कि जो उनके ड्रॉप्स है वो बिल्कुल भी जूस की तरह एकदम रिसते रहते हैं उसके बालों से टपकते रहते हैं और उसको अंदर से एक डिस्कस्टिंग एकदम गंदी सी फीलिंग आती है टाइनी शिवर ऑफ डिस्कस्ट द बैक ऑफ हर नेक फेल्ट स्लिमी और उसके जो नेक का बैक होता है वो बिल्कुल भी एकदम स्लिमी फील होता है मेड हर लॉन्ग टू रिगल आउट ऑफ हर स्किन और उसे ऐसा फील होता है कि ये जो बाल हैं वो बिल्कुल भी मूव कर रहे हैं ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होते हुए मूव आउट कर रहे हैं उसकी स्किन से ही इस तरीके की उसकी एकदम उसे फीलिंग होती है शे बिट बैक हर जो वो फील करती है ठीक है उस वो फीलिंग को वो से जो परेशानी होती है उसे उसके वो वापस से चैलेंज करती है बिट बैक करती है और अपनी जो स्कर्ट होती है अपनी स्कर्ट के जो किनारे से वो क्या कर देती है जब कोई देख नहीं रहा होता है तो उसे स्वाइप कर देती है पोंछ देती है उन हेयर्स को उन ऑयल को सो शी बिट बैक हर अननोयंस कंटेंटिंग Herself with a swad swipe at her oily forehead with the edge of her skirt अब ये जो होता है कि वो कंटेंटिंग मींस होता है टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट वांट कि जो चीज तुम नहीं चाहते उसे भी एक्सेप्ट करना तो

अपनी स्कर्ट के किनारों से वो पूरा जो ऑयल रहता है उसे पोच देती है नाउ शी वॉज रेडी बिफोर द इवनिंग फ्लरी ऑफ लैम्प लाइटिंग है रेडी हो जाती है जो इवनिंग फ्लरी होती है जो लैंप लाइटिंग के लिए जो फ्लरी होती है कि बहुत सारी एक्टिविटी होती है जल्दी जल्दी उन एक्टिविटीज उन प्रिपरेशन के पहले ही इस बार वो रेडी हो जाती है द ओल्ड टूथलेस मेजर डेमो ऑफ द हाउस होल्ड केलू नायर वॉज इंस्ट्रक्टेड टू अंपनी हर टू अब आज क्या होता है जो ओल्ड द ओल्ड टूथलेस जिसके दांत नहीं होते हैं है ना कि वो मेजर डेमो मींस होता है जो सीनियर सर्वेंट होता है उस घर का हाउस होल्ड जो बिल्कुल हाउस कीपिंग का वर्क कर रहा होता है उसका नाम है केलू नायर सो so, जो केलू नायर होता है इस बार उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आज वो उसे टेम्पल लेकर जाएगा

अब वो अपनी मदर को बहुत बार ये रिमाइंड करवा चुकी रहती है कि वो जब वो नहीं थे मैनी टाइम्स वो अपने स्कूल के लिए कैसे करती थी अकेले ही स्कूल जाती थी व्हेन दे वर बैक इन द टाउन जब वो सभी कहाँ थे टाउन में थे दैट शी इवन वेंट बाय हर सेल्फ टू द बेकरी और वो अकेले ही कहाँ जाया करती थी बेकरी में जाती थी एट द एंड ऑफ द रो टू बाय स्वीट्स एंड केक्स स्वीट्स और केक्स परचेस करने के लिए अकेले ही बेकरी जा, बेकरी जाया करती थी जब उसकी सारे लोग कहाँ थे टाउन में थे तब वो अकेले ही कहाँ जाया करती थी स्कूल जाया करती थी तो ये बात वो अपनी मम्मा को याद दिलाती है तो आप लोग तो क्यों मुझे टेंपल अकेले जाने नहीं दे रहे हो हर मदर सिंपली प्रिटेंडेड नॉट टू तो हियर और उसकी मदर एकदम भी ऐसा बहाना बनाती थी कि जैसे वो सुनी ही नहीं है इग्नोर कर देती थी उसकी बातों को समटाइम्स इफ शी एट द स्ट्रेटेजिक ब्लैंड ऑफ ऑथोरिटी एंड अपील शी कुड फोर्स कुयर टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड हर एंड प्रिटेंड दैट शी नॉट बिलोंग टू हर एट ऑल अब अगर कभी कभी वो अपना आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाती थी इतना आर्ग्यू कर लेती थी तब वो कन्विंस हो जाती थी और अपील कर लेती थी इतना रिक्वेस्ट कर लेती थी तो वो क्या करती थी कैलू नायर बहुत ही कुछ स्टेप्स एकदम पीछे चल रहे होते थे और वो कुछ स्टेप्स आगे बिल्कुल ऐसा फील होता था कि वो उसके साथ नहीं है तो इस तरीके के वो प्रिटेंड करती थी प्रिटेंड मीन्स ऐसा शो करना बहाना बनाना ओके बट दिस वॉज शी रियली अचीव परंतु ऐसा बहुत कम टाइम ही हो पाता था टुडे शी स्टक ऑब्स्टिनेटली टू हर साइड इंपार्टिंग बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस दैट शी ट्राई टू इग्नोर अब आज आज केलू नायर उससे बिल्कुल भी जबरदस्ती लगे हुए थे उसके साथ मतलब जिद थी उनकी कि वो उसे बिल्कुल भी देखते रहेंगे एकदम वॉच करेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो और एक एक इंफॉर्मेशन है वो क्या करेंगे पास करेंगे है कि वो क्या कर रही है आज क्योंकि उसने चैलेंज किया था और वो इसीलिए उसे कैलू के साथ भेजा जा रहा था शिक क्विक रीच द रोड ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इन टू अ रन अब वो अपने जो स्टेप्स है वो बढ़ा लेती है जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है जैसे ही वो रोड पर पहुंचे और ब्रेकिंग करते ब्रेक करते हुए अपने रन को मतलब दौड़ते हुए कैलो शाउटेड एट हर टू स्टॉप एंड वेट फॉर हिम अब केलुनार उसको चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए रुको रुको शी टू कवर दिस अब वो ये केयर ही नहीं करती है किसी को एक्सप्लेन करना कि वो जो ये पूरी रोड है उसे कवर करना चाहती है किस तरीके से कवर करना चाहती है दैट बहुत ही जल्दी में एज क्विकली एज पॉसिबल ठीक है बिकॉज hurt हर बेयर फीट क्योंकि जो वहां पर एक ग्रीन कलर के जो स्टोन्स होते हैं ना वो उसे क्या करते हैं हर्ट करते हैं क्योंकि उसके पैर बेयर फीट रहते हैं वो उसने कोई भी स्लीपर कोई भी फुटवेयर नहीं पहने एट द टेम्पल एंट्रेंस शी डाउन ग्रेटफुल फॉर द फील ऑफ सन सन वार्म स्टोन और टेम्पल में जाते साथ ही टेम्पल के एंट्रेंस पर ही वो क्या हो जाती है स्लो हो जाती है और बहुत ही ग्रेटफुल रहती है थैंकफुल रहती है क्योंकि जो स्टोन रहते हैं वहाँ के सन स्टोन जो धूप से थोड़े थोड़े से गर्म स्टोन रहते हैं वो उसे बहुत ही अच्छा फील कराते हैं तो वो उनके लिए थैंकफुल रहती है और वहाँ पर वो स्लो वॉक करती है बट रोड को वो बिल्कुल भी क्विकली कवर करती है क्विकली पास करती है रोड को बिकॉज वहाँ पर क्या होते हैं जो ग्रेवल हर्ट होते ग्रेवल होते हैं वहाँ के जो स्टोन्स होते हैं वो उसे हर्ट करते हैं ओके सो दबाउट दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे कि द अनयूजल नोट ऑफ वन की वहाँ पर टेम्पल में एक्चुअल में क्या हो रहा था एंड हाउ शी मैनेज टू ड्रिंक द बैल और उसने कैसे मैनेज किया बैल बजाना ओके सो ये स्टोरी है जो साउथ इंडियन फैमिली की है जिसमें हम नए नए वर्ड्स भी देखेंगे जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं सो थैंक यू डे स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग इसका सेकेंड वीडियो जो होगा सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन का वो भी जरूर देखिएगा ओके थैंक यू